तो भाइयों देखो, टू व्हील मूड पे चल रहा है लेकिन ट्रैक्टर सही से चल नहीं पा रहा है। अब यहीं से यहीं इसका फोर व्हील मूड लगा के दिखाएंगे। तो भाइयों बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, और थोड़ा सा वेट भी इसके आगे कम है, इसलिए आगे की जो टायर है वो हल्की हल्की सीपेज निकाल रही है। लेकिन भाइयों फोर व्हील लगते ही ट्रैक्टर पूरा हल्का चलने लगता है। ये देखिए भाइयों, तो ये बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। तीसरे के ए गियर, थर्ड ए गियर में चल रहा है भाइयों ये। भाइयों दोनों लीवर नीचे छोड़ के पहले के हाई गियर में नहीं चल पा रहा है ट्रैक्टर। तो भाइयों आप अपनी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब पहले के हाई गियर में चलवाने जा रहे हैं, देखना ट्रैक्टर कैसा चलता है। ये देखिए भाइयों, दब के ट्रैक्टर चल रहा है पहले के हाई गियर में। आपको ट्रैक्टर की आवाज़ से पता चल जाएगा कि ट्रैक्टर दब के चल रहा है। अब भाइयों थर्ड ए लगवाएंगे तो आप देख पाएंगे कि वहाँ पे ट्रैक्टर कोई दाब नहीं मार रहा है और आराम से चल पा रहा है। ये देखिए भाइयों, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे वीडियोस आप देखना पसंद करेंगे। धन्यवाद किसान साथियों, राम राम, नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। भाइयों आज ये वीडियो जो बना रहे हैं जॉइंडर 5050D फोर व्हील ड्राइव की, जो बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है, 2023 में कंपनी ने इसे लॉन्च किया है। भाइयों इसमें कुछ बड़े बदलाव के साथ ये ट्रैक्टर लॉन्च किया गया है, जिसमें आगे के जो टायर पहले 8-18 के आते थे, अब वो 9-5-20 के कर दिए गए हैं। और कुछ प्लेटफॉर्म में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है। डीजल फिल्टर पहले 2 आते थे, अब 1 डीजल फिल्टर कंपनी देने लगी है। तो ऐसे कई बड़े बदलाव कंपनी ने किए हैं। और भाइयों एक जो बड़ा बदलाव इसमें देखने को मिल जाएगा वो डीजल कूलर के रूप में आपको देखने को मिल जाता है। भाइयों ये जो आठ ट्रैक्टर आप चलते हुए देख रहे हैं, लखीमपुर खीरी के पलिया क्षेत्र में देख रहे हैं, इसमें 11 टन के कल्टीवेटर पे ट्रैक्टर चल रहा है। और भाइयों जुताई के कारण जो खेत के कोने ऊंचे नीचे हो जाते हैं, वहाँ पे ये करहा लगाया जा रहा है जिससे कोने सही हो जाए और सिंचाई में आराम रहे। तो भाइयों जो ट्रैक्टर करहा जोड़े हुए हैं, ये महिंद्रा यूवो 575, महिंद्रा का जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है 575 है भाइयों। ये देखिए भाइयों, इस ट्रैक्टर का बम्पर अलग से बनवाया गया है। देखिए क्या शानदार बम्पर, क्या शानदार आवाज़ के साथ ये ट्रैक्टर चल रहा है। और 11 टन का कल्टीवेटर है, दोनों लीवर नीचे छोड़ के चला रहा है। अभी भाइयों आपको इसकी पूरी पुलिंग पावर चेक करवाएंगे, जिसमें 2 से 3 आदमी कल्टीवेटर पे खड़े करेंगे और देखेंगे कि क्या स्थिति है ट्रैक्टर की, पुलिंग पावर कैसी है। भाइयों थर्ड ए गियर में चल रहा है ट्रैक्टर। बम्पर का लुक क्या शानदार आ रहा है, देखिए भाइयों। और 2.5 क्विंटल का ये बम्पर है, 250 kg का। भाइयों वीडियो में बने रहिए, अभी आपको पूरी पुलिंग पावर चेक करवाई जाएगी इस ट्रैक्टर की, और साथ ही ये महिंद्रा यूवो 575। ये देखिए भाइयों, भाइयों ठंड बहुत बढ़ गई है, देखिए कितना कोहरा गिर रहा है यहाँ पर। लेकिन हम किसान भाई ठंड हो, गर्मी हो या बारिश, दिन रात भाइयों खेतों में लगे रहते हैं कि अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। भाइयों ट्रैक्टर किसान का सबसे अच्छा मित्र कहा जा सकता है आज के समय में, और ट्रैक्टर वही अच्छा है जो कम डीजल में अधिक से अधिक काम करके दे सके। ये देखिए भाइयों, भाइयों हर साल कंप्यूटर करहा लगवाना किसान के लिए बड़ा खर्चीला हो जाता है, इसलिए छोटा मोटा जो लेवल करने का काम है वो देसी करहे से स्वयं कर लिया जाता है। तो भाइयों खेत का लेवल होना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि सिंचाई में आराम रहती है, पानी पूरा बराबर भरता है। और भाइयों एक चीज़ का अगर हम आप ध्यान रखें तो खेत के किनारे नहीं ऊँचे होंगे, वो ये है कि जब ट्रैक्टर जुताई के समय मोड़ पर पहुँचे तो उसको धीरे कर लीजिए, ताकि टायरों में मिट्टी भर के ना कटे। भाइयों फोर व्हील ड्राइव का ये भी एक बड़ा फायदा है, एक वीडियो में आपको बताएंगे कि फोर व्हील ड्राइव से खेत के कोने खराब नहीं होते हैं,
क्योंकि ट्रैक्टर आसानी से मुड़ जाता है। तो भाइयों यहाँ पर ये मिट्टी लेवल की जा रही है,